अलगम वीबर्स आज हम बना रहे हैं चुटपटी गर्दने जिसके लिए हमने एक किलो गर्दने स्मॉल पीस में कट कर ली हैं ये देख सकते हैं आप इसको हमने धो के खुश कर लिया है इसके साथ हम लेंगे एक चम्मच कुटी हुई मिर्च एक चम्मच ज़ीरा हाफ चम्मच हल्दी एक चम्मच काली मिर्च एक चम अदरक का पेस्ट एक चम्मच पिसा हुआ धनिया हसबेदाय का नमक और डेढ़ कप हम ले रहे हैं इसमें दही तो चलते हैं अब हम फ्लेम ऑन करते हैं फ्लेम हम मीडियम रखेंगे बिल्कुल ज़्यादा हमने फ्लेम ऑन नहीं करना इसका इसके अंदर हम डेढ़ कप ऑयल डालेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ऑयल ले सकते हैं इसमें इसके बाद इसके अंदर हम चिकन डालेंगे चिकन आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए साथ ही इसके साथ आप हम इसमें मसाले डालेंगे मेरा ख़्याल करना है कि ज़ीरा आपने क्रश करके डालना है इसके अंदर बाकी ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ़ काली मिर्च और हम दही रोक लेंगे ये दोनों चीज़ें हमने एंड में डालनी है इसके अंदर नमक और कुटी भी मिर्चें आपने अपने हंस पर ज़्यादा ले लेनी है अगर आपने तेज़ खानी तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं कुटी मिर्चें बाकी नमक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से अब हम इसके अंदर एक जग पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो सही से मिक्स हो जाए इसके अंदर पानी आपने इतना डालना है कि आपका चिकन बिल्कुल डीप हो जाए अब हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन बीस मिनट के लिए ताकि चिकन हमारा गल जाए तकरीबन बीस मिनट अब हमें हो चुके हैं देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसके अंदर बहुत कमाल की लुक आ रही है बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से अब हम इसका फ़्लेम हाई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो सके देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है काफ़ी हद तक अब इसके अंदर हम हम काली मिर्च डाल देंगे साथ ही इसके अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे अगर आप खट्टा पसंद करते तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं अब हम लो फ्लेम करेंगे इसका लो फ्लेम पे इसकी हमने हर किल्कि की बुनाई करनी है इसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे दही हमने थोड़ी सी रोक ली है अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप दही सारी डाल सकते हैं इसके बाद हमने दो तीन मिनट इसकी बुनाई करनी है ये देखें बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह बहुत किस्म की इसमें लुक आ रही है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है अब हम इसको डिश आउट करेंगे देखते हैं कैसी लगती है हमारी डिश देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें लाजमी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये देखें डिश आउट हम कर चुके हैं इसको अब हम इसको गार्निश करेंगे लेमन और प्याज के साथ ये देखें ये हमारी फाइनल लुक है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आई हुई है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज।